गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी ये साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगी, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अफ्रीकन स्वाइन फीवर एंड पिग्मी हॉग्स। तो इन दोनों के बारे में हम आज की क्लास में जो है वो देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली एक आर्टिकल जो है, जो जर्नल है साइंस, उसमें जो है एक आर्टिकल जो है वो पब्लिश हुआ है, जिसमें ये देखा गया है कि ये जो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू जो है ये काफ़ी फेटल है, और ये पिग्मी हॉग्स जो होते हैं ये भी पिग्स की एक जो है स्पीसीज जो है वो होती है, तो उसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट जो है उनकी पॉपुलेशन को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट जो है ये कर सकते हैं। ये आपके पिग्मी हॉग्स जो होते हैं ये दुनिया के रेयरेस्ट और स्मॉलेस्ट पिग्स के अंदर जो है ये कंसिडर होते हैं। ये डिसीज जो है वो ऑलरेडी हमने 2018 में देखा कि चाइना में जो है, और चाइना में ये डिजीज़ की वजह से जो आपकी ये जो प्रोकाइंस जो होते हैं, पोर्साइंस जो होते हैं, जो कि पिक से ही रिलेटेड होते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन को इसने बिल्कुल डेसिमेट जो है वो कर दिया था, यानी कि उसकी बहुत कम पॉपुलेशन जो है पोर्साइंस की वो रह गई थी। तो इस वजह से ये जो है अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है ये दोबारा से न्यूज़ में आ गया, और उन्हीं के साथ साथ पिग्मी हॉग्स भी दोबारा से न्यूज़ में आ गए हैं। तो ये आप जो है न्यूज़पेपर कटिंग जो है अफ्रीकन स्वाइन फीवर की, उसके बाद वो जो है वो आप देख सकते हो। तो ये जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है ये सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था अफ्रीका में 1920 में। धीरे धीरे ये डिजीज जो है ये अफ्रीका, एशिया और यूरोप तक जो है, जो उसके डोमेस्टिक एज वेल एज जो उनके वाइल्ड पिग्स जो है उनमें भी ये डिजीज जो है ये डिटेक्ट होने लग गई, और इसका मोर्टेलिटी रेट जो है ये 95-100% जो है इसका मोर्टेलिटी रेट है। और क्योंकि इस फीवर का कोई भी क्योर जो है वो नहीं है, तो इस वजह से इसको तभी रोका जा सकता है जिस भी एनिमल की पॉपुलेशन में ये फीवर जो होता है उनको हो जाता है, तो उन सारे एनिमल्स को जो है वो मार दिया जाता है। तो 2018 के आसपास आपने बहुत सी क्लिप्स जो है वो आपने देखी होंगी फेसबुक पे या आपके इंस्टाग्राम पे, कि बहुत से पिग्स को जो है वो एक साथ जो है वो जिंदा पिग्स को जो है एक साथ एक गड्ढे में डाल के उनको दफनाया जा रहा है। तो ये उसी वजह से जो है ये किया जा रहा था। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू इज अ डिजीज लिस्टेड इन द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ टेरेस्ट्रियल एनिमल हेल्थ कोड। तो इस डिजीज को जो है इसमें भी लिस्ट जो है ये किया गया है। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है पिग्मी हॉग्स के बारे में देख लेते हैं। तो इनका साइंटिफिक नेम जो होता है वो पॉर्कुला साल्वेनिया जो है वो होता है। इनके फीचर्स जो है वो देख लेते हैं। तो ये उन चंद मैमल्स में से आते हैं जो अपना घर जो है नेस्ट के साथ या कंप्लीट रूफ के साथ जो अपना घर जो है ये खुद बनाते हैं, और ये एक तरीके के इंडिकेटर स्पीसीज भी हैं। इनकी प्रेजेंस जो है किसी भी जगह पे या जहाँ पे ये रहते हैं वो उनकी जो प्राइमरी हैबिटेट जो है वो बेसिकली ग्रासलैंड्स हैं, जो टॉल वेट ग्रासलैंड्स जो होते हैं ये वहाँ पे पाए जाते हैं। तो अगर ये पिग्मी हॉग्स जो है वहाँ पे पाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब उस जगह का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी फ्रेंडली है इनके लिए, और वो जो है काफ़ी हेल्दी इन्वायरमेंट के तौर पे उसको जो है वो देखा जाता है। तो ये उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम को या उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के लिए जो है ये एक इंडिकेटर की तरह जो है ये बिहेव करते हैं। ये इसी वजह से इनको एक इंडिकेटर स्पीसीज जो है वो ये कहा जाता है कि ये इंडिकेट कर रहे हैं, ये इस स्पीसीज का वहाँ पे होना ये इंडिकेट कर रहा है कि वो जो वेट ग्रासलैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, या वो जो आपका इकोसिस्टम जो है वेट ग्रासलैंड का वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। अब इनका हैबिटेट जो है वो देख लेते हैं। तो ये वेट ग्रासलैंड होते हैं ये वहाँ पे पाए जाते हैं। वंस इट इज़ यूज टू बी फाउंड अलॉन्ग द नैरो स्ट्रिप ऑफ टॉल एंड वेट ग्रासलैंड प्लेन्स ऑन द हिमालयन फुटहिल्स। तो जो आपके हिमालयन फुटहिल्स जो है यूपी से लेके आसाम तक, तो वहाँ पे ये जो है ये पाए जाते हैं। इनफैक्ट जो आपका नेपाल का तराई रीजन हो गया, भूटान और बंगाल वाले एरियाज में भी ये पाए जाते हैं। आज करंटली ये जो है सिर्फ और सिर्फ आसाम में ही पाए जाते हैं। अब इनका प्रोटेक्शन स्टेटस जो है वो देख लेते हैं। तो IUCN ने अपनी रेड लिस्ट में इसको जो है इंडेंजर्ड कैटेगरी में जो है वहां पे रखा है, और जो साइट्स जो है उसने इसको अपेंडिक्स वन में रखा है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ने इसको अपने शेड्यूल वन में जो है वहां पे इसको रखा हुआ है। अब थ्रेट्स देख लेते हैं इनको किन किन से हैं। तो बेसिकली इनका जो हैबिटेट लॉस जो है वो हो रहा है, तो उस वजह से जो पिग्मी हॉग्स हैं उनको थ्रेट्स हैं, और उसके अलावा इनकी इलीगल हंटिंग भी की जाती है। अब कुछ कंजर्वेशन एफर्ट्स जो पिग्मी हॉग्स के लिए किए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला है पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम, जिसको 1995 में जो है ये स्टार्ट किया गया था। तो पहले इसको ये जो एनिमल जो है पिग्मी हॉग जो है मैमल जो है ये इसको एक्सटिंक्ट ही समझ लिया गया था, लेकिन दोबारा से इनकी डिस्कवरी हुई
71 में, एंड देन उसके बाद जो ड्यूरल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट है यूके का, उन्होंने इनकी कंजर्वेशन के लिए कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है वो इनिशिएट किया, जिसका नाम था पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो ये 1995 में जो है ये स्टार्ट किया जाता है विद द कोलैबोरेशन ऑफ IUCN, असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो अभी ये करंटली ये प्रोग्राम जो है दो एनजीओज जो है उनके थ्रू जो है इसको इम्प्लीमेंट जो है वो करवाया जा रहा है। तो वो दो एनजीओज कौन कौन से हैं, एक है आपका आर्यनक और दूसरा है इकोसिस्टम इंडिया। तो इन दोनों के द्वारा इस प्रोग्राम को जो है वो इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है। 2008 से 2012 के बीच में 152 जो पिग्मी हॉग्स जो हैं उनको फोर प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं असम के, वहां पे इनको जो है वो रिलीज किया गया था, और उसी के साथ साथ 36 इंडिविजुअल्स को मानास नेशनल पार्क जो है वहां पे उनको इंट्रोड्यूस जो है वो करवाया गया था। 2011 से 15 के बीच बीच में जो एनिमल्स जो है उनको री इंट्रोड्यूस किया गया था ओरांग नेशनल पार्क में, और 2025 तक जो है ये प्लान किया जा रहा है कि 60 पिग्मी हॉग्स को मानास नेशनल पार्क में जो है वो इंट्रोड्यूस जो है वो किया जाएगा, ये रिलीज जो है उनको वहां पे किया जाएगा। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो जो फ्लू जो है अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है उसके बारे में थी, और उसी के साथ साथ पिग्मी हॉग्स के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स हैं वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।